आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। भदोही में टैंकर से पेट्रोल चोरी करने का कारनामा आया बाहर। मामले में सेटिंग करते देखे गए लोग। चालक और खलासी ने कहा, मालिक के कहने पर हर टैंकर से 80 लीटर पेट्रोल की करते हैं चोरी। ऊज थाना क्षेत्र के मंगापट्टी स्थित एक पेट्रोल पंप पर हुआ बड़ा खुलासा। चालक और खलासी ने कहा, ऐसा करने के लिए मालिक देता है पैसे। गाड़ी का इंश्योरेंस है फेल, फिर भी धड़ल्ले से चलती रही गाड़ी और गहरी निद्रा में सोते रहे जिम्मेदार अधिकारी। मौके पर थाना और पुलिस भी रहे मौजूद। कार्रवाई के लिए सेल्स मैनेजर के आदेश का करते रहे इंतजार, लेकिन सेल्स मैनेजर साहब मामले की लिपापोती में लगे रहे। सरकार भले ही भ्रष्टाचार और मनमानी रोकने के लिए देश में डिजिटल इंडिया का नारा देकर बढ़ावा दे रही है, लेकिन इसके बावजूद भी भ्रष्टाचार और मनमानी करने वाले लोग डिजिटल इंडिया टेक्निक का दुरुपयोग करते हुए ऐसा रास्ता निकाल लेते हैं जहां पर किसी को शक नहीं होता और भ्रष्टाचार का खेल भी हो जाता है। जब तक इस बाईपास जुगाड़ का लोगों को पता चलता है, तब तक भ्रष्टाचार या लापरवाही करने वाले लोग चोरी के एक बड़े खेल को अंजाम दे चुके होते हैं। एक ऐसा ही मामला भदोही जिले के एक पेट्रोल पंप पर देखने को मिला, जहां टैंकर चालक अपने मालिक के कहने पर टैंकर से हर बार 80 लीटर पेट्रोल डीजल निकाल लेता था और किसी को पता भी नहीं चलता था। लेकिन शक होने पर जब लोग पीछे पड़े तो सच्चाई सामने आ गई और इस भ्रष्टाचार में शामिल लोगों की पोल खुल गई। जानकारी के मुताबिक ऊज थाना क्षेत्र के मंगापट्टी में सुरियावा मार्ग पर स्थित एक पेट्रोल पंप पर उस समय हड़कंप मच गया जब दुर्गागंज क्षेत्र के दो युवक आए और टैंकर के चालक द्वारा टैंकर से पेट्रोल चोरी करने की बात कही। पहले तो चालक ने नहीं माना, लेकिन बाद में चालक ने स्वीकार किया कि यह सब अपने मालिक के कहने पर करता हूं, इसके एवज में मालिक पैसा भी देता है। बताते चलें कि कई बार शिकायत मिलने पर पेट्रोल पंप मालिकों ने इस पर कड़ी निगरानी शुरू कर दी तो मामले का खुलासा हुआ। हालांकि जनपद में इस तरह के जांच की जिम्मेदारी सेल्स ऑफिसर की होती है, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि सेल्स ऑफिसर साहब या तो ऑफिस में बैठे रहते हैं या फिर जानबूझकर मामले को टालने में लगे रहते हैं। यदि ऐसा नहीं है तो फिर इतनी बड़ी चोरी रोकने में नाकाम क्यों है, जबकि इसी काम के लिए उन्हें नियुक्त किया गया है। एक टैंकर UP-65HT-6077 से प्रकाश पेट्रोल पंप के लिए पेट्रोल आया। इसी दौरान मौके पर पहुंचे क्षेत्रीय सेल्स ऑफिसर उमाशंकर व IOCL डीलर संघ के अध्यक्ष संजय दुबे की मौजूदगी में चालक ने चोरी की बात स्वीकार की और चोरी की घटना को अंजाम कैसे दिया जाता है इसके बारे में भी बताया। प्राप्त जानकारी के अनुसार जब भी पेट्रोल निकालना होता है तो ऑनलाइन OTP की व्यवस्था है, लेकिन पेट्रोल चोरी करने वालों का गजब का कारनामा देखकर लोग दांतों तले उंगलियां दबा लिए, क्योंकि बिना OTP के ही पेट्रोल निकाल कर पेट्रोल पंप मालिकों को चूना लगाया जा रहा है। इस मामले को संज्ञान में लेकर इंडियन ऑयल के अधिकारी ने कहा कि विभाग को चिट्ठी लिखी जा रही है, उक्त गाड़ी को IOC से टर्मिनेट किया जाएगा। संबंधित के खिलाफ अगर अपराध सिद्ध होते हैं तो FIR दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। एक बात और रही कि टैंकर का इंश्योरेंस अक्टूबर में ही समाप्त हो गया, फिर भी गाड़ी धड़ल्ले से चल रही है। अब यह तो जाँच का विषय है कि सच में मामला क्या है। इस घटना को लेकर चर्चा का बाजार गर्म है। हो सकता है कि इस मामले में संबंधित विभाग के कई अधिकारी कर्मचारियों की भी संलिप्तता हो, अन्यथा समय समय पर इन संस्थाओं से जुड़े वाहनों के कागजातों की जांच की जाती है। यदि अक्टूबर से इस गाड़ी का इंश्योरेंस फेल है और अधिकारी इससे अनजान है तो इस मामले में किसी बड़े घोटाले से इनकार नहीं किया जा सकता। वहीं उपस्थित पत्रकारों द्वारा जब मामले की पूरी जानकारी क्षेत्रीय सेल्स अधिकारी उमाशंकर से मांगी गई तो मामले में कैमरे पर पत्रकारों को गोल गोल घुमाते दिखाई दिए, ना जाने किससे फोन पर बात कर मामले को बताने की कोशिश कर रहे, जबकि मामले की जानकारी उन्हें पूरी तरह से थी और इस संबंध में वे पत्रकारों को बयान दे सकते थे। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा के साथ पिंटू तिवारी की रिपोर्ट। डीलर की टीटी होती है, ठीक है जी। ये ट्रांसपोर्टर की जो टीटी होती है ये किसी भी पंप पे जा सकती है, किसी भी पंप पे। नंबर आप जी, इन्होंने भाड़े में लोड लगाया, इन्होंने भाड़े में लोड लगाया, जिन्होंने लगाया उनके यहाँ चली जाएगी। तो अब ये डीलर की जो टीटी होती है, ये टीटी होती है सिर्फ डीलर के पंप पे जाती है। यहाँ पे जो हमको अभी कंडीशन पता चला है कि जो डीलर की टीटी है वो एक्चुअल में उनकी नहीं है, उन्होंने किसी से लिया हुआ है और वो अपने यहाँ अटैच करके चला रहे हैं। जो इन्होंने नाम बताया, क्या नाम बता रहे थे इनका? मुरारी चौहान। मुरारी, तो उसमें जो खेल किया उन्होंने मुरारी ने किया है, इन्होंने नहीं किया। तो कार्रवाई मुरारी के ऊपर हो, मुरारी के हमें गाड़ी का है, गाड़ी पे हमें कार्रवाई करनी है, गाड़ी किसी की भी रहे। तो अब ये गाड़ी आगे किसी भी उसमें नहीं चलने पाएगी। अब कल अब हमारे यहाँ टीम बनेगी, टीम आके जांच करेगी,
और उसके हिसाब से उस पर जो भी एक्शन होगा वो लिया जाएगा। थैंक यू। सबसे बड़ा मीडिया के सामने बोलना हम लोग का नहीं है, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन अपना डिपार्टमेंट वही मीडिया के सामने बोलते हैं, नहीं तो बाबा हम लोग नहीं बोल सकते। सर आप पूछते रहिए, इसको यहाँ से मिलता है इनका कवरेज, यहाँ लीजिए जहाँ खुल रहा है, जहाँ खुल रहा है मेन तो वो लीजिए ना। देखिए कैसे यहाँ पे एलंकी, कैसे क्या है ये, कौन सा इंच है ये? एलंकी है, एलंकी से यहाँ से खुल जा रहा है। यहाँ ओटीपी नहीं मांगता? नहीं, यहाँ नट खोलने के लिए ओटीपी क्या लगता है? फिर खोलिए, पूरा पूरा खोलिए, खोलिए ना, फिर आगे छड़ निकालिए, फिर देखिए यहाँ से ये कैसे। जितना चाहे उतना यहाँ से निकाल लेंगे। प्रेशर तो पूरा हफ्ता तो पूरा खाली हो जाएगा, एक बूंद भी नहीं। पीछे का वो पहले से गिरा के रखते हो क्या? नहीं नहीं, वो उठा रहता है। उठा रहेगा तो फिर पूरा कैसे बाहर आएगा? नहीं आएगा, जब ले खींचेंगे नहीं तब ले पूरा गाड़ी निकलेगा। पाइप लाइन में 30-40 पाइप लाइन में जितना तेल रहेगा वही निकलेगा। पाइप लाइन का तेल निकाल लेते हो? पाइप लाइन में जितना तेल रहेगा वही निकलेगा, जब ले खींचेंगे नहीं तब ले तेल नहीं। पूरे पाइप लाइन में कितना तेल निकल जाता है? अरे मान लीजिए इसमें 5-7 लीटर होगा, 10 लीटर उसमें, सबसे ज़्यादा 4 नंबर पर रहता है, 20 लीटर मान लीजिए, मतलब 40-50 लीटर का बजट। हाँ, 400 लीटर। तो वहाँ से डिप तो पूरा लेके आते होगे ना? हाँ, डिप कैसे दिखाते हो? पूरा तब निकालने के बाद कम मिलता है 10-10 लीटर, तो वो डिप इसलिए कम मिलता है ना क्योंकि जो तेल भरते हैं वो पाइप लाइन में आता है, तो उतना डिप कम हो ही जाएगा। सर डिप बराबर रहेगा? डिप तो बराबर वहाँ से मिलेगा ना, क्योंकि कैलिब्रेशन के टाइम पे तो सब पूरा गिरा के होता है। डिप कैसे दिखाते हो बेटा? सही जैसे हम देख लिए उसके बाद आप लोग देखते हैं। तो सर इनकी जितनी गाड़ियाँ चलती होंगी सब में ऐसा ही होता होगा? नहीं, मतलब मान लीजिए एक डीलर की एक गाड़ी है और जितनी गाड़ियाँ चलती होंगी सब में ऐसा ही होता होगा? नहीं नहीं, वैसा नहीं, मैं आपको बताता हूँ उसके बाद। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी के लिए आप हमें नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं का वीडियो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।